हे गिरिधर, हे गोपाल, जन्म तो माता कुंती ने मुझे भी दिया, खून तो पांडवों सा मेरे रगों में भी था, फिर क्यों न मेरी किस्मत ने कभी माता का प्यार पाया। भले ही मैं पूरी जिंदगी अपने वर्ण से अनभिज्ञ रहा, पांच पांडवों में छठा मैं भी एक क्षत्रिय पांडव था, फिर क्यों न मैं कभी गुरु द्रोण का शिष्य बन पाया। हे नारायण, हे वासुदेव, मेरी किस्मत का खेल तो देखो, जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने हमेशा कुछ ना कुछ खोया। फिर गुरु से विस्मृति का श्राप और द्रौपदी स्वयंवर में अपमान मेरी ही किस्मत ने क्यों पाया। हे हरि, हे यशोदानंदन, अगर आज मैं इस युद्ध भूमि का हिस्सा बन पाया तो सिर्फ मित्र दुर्योधन की कृपा से। फिर पांडवों के विरुद्ध लड़ते देख क्यों दुनिया ने मुझे गलत पाया। हे अंगराज कर्ण, जीवन जीने का अधिकार तो मेरा भी था, फिर क्यों मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। माता पिता के प्यार पर हक तो मेरा भी था, फिर क्यों उनके कोमल स्पर्श से पहले ही मेरे भाग्य में मेरे ही मामा की कठोरता थी। निरापद बचपन गुजारने का अधिकार मेरा भी था अंगराज, फिर क्यों मेरे बाल्यावस्था में ही मुझे अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी। हे वृषाली पति कर्ण, अपने प्रेयसी से विवाह करने का हक मेरा भी था, फिर क्यों मेरी प्रीत सच्ची होने पर भी मेरा प्रारब्ध मेरे इच्छा के विरुद्ध था। हे सूर्यपुत्र, हे दानवीर, अगर इस युद्ध में कौरवों ने जीत पाई तो इसका श्रेय तुम्हें जरूर मिलेगा, पर अगर अंत में पांडवों की जीत हुई तो इस यशोदानंदन को सिर्फ इस युद्ध को उकसाने का दोष मिलेगा। हे श्रेष्ठ योद्धा, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयों से भरी चुनौतियां नहीं। जिंदगी ने हमारे साथ कितना अनुचित किया, कितना अपमान किया, ये महत्वपूर्ण नहीं। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो उस समय हमने उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, यह महत्वपूर्ण है। जीवन में यदि कुछ सत्य है तो वो है धर्म। जिंदगी भले जितनी भी कठोर हो, हमें हमेशा धर्म पर ही चलना चाहिए, हमेशा धर्म पर ही चलना चाहिए।